राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। योगी राज में महिला को बनना पड़ा शोले पिक्चर की बीरू। पानी की टंकी पर चढ़कर इंसाफ मांगने के लिए कहा, कूद जाऊंगी, फान जाऊंगी, मर जाऊंगी। पुलिस के बर्बत्ता रवैया से अजीर महिला ने डीएम परिसर में बने पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गई। जिले के उच्च अधिकारियों के हाथ पांव फूले। ये एडीएम, एसडीएम, एडिशनल एसपी, सीओसीटी सहित तमाम अधिकारी पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे। काफी मान मनोवर के बाद महिला उतरी पानी की टंकी के नीचे। आरोप लगाते हुए बीजेपी के पूर्व विधायक को घेरा। महिला ने कहा, पूर्व विधायक के सह पर न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी रोड के बीचों बीच बनाया जा रहा है नाली। पीड़ित महिला ने पुलिस के ऊपर मारने पीटने का लगाया आरोप, का जबरदस्ती दिन भर थाने में बिठाए रहे। एडीएम अभय कुमार मिश्रा ने लगाया थाना अध्यक्ष पैकौलिया को फटकार, कहा, क्यों बनते हो आप लोग पार्टी। एडिशनल एसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने तत्काल काम रुकवाने का दिया आदेश। एडिशनल एसपी ने कहा, न्याय होगा। मामला पैकौलिया थाना क्षेत्र के जो कहा गांव का है। बस्ती से जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट। इस महिला का मामला जो है अभी संज्ञान में आया है। इसका कोई जमीनी विवाद है, सिविल कोर्ट में डिस्प्यूट पेंडिंग है और इसकी जांच करके महिला को रिलीफ दिया जाए। मैं महिला का आरोप है कि लोकल विधायक के दबाव में वहाँ पर पेंडिंग पुलिस उसको थाने में ले जाकर उसको टॉर्चर करती है। जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वही करी जाए। ठीक।